Hey guys, welcome to my channel Channi Slam Book. आज का जो ब्लॉग है वो है आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड और आपको पता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट मेरी हॉबी है. तो कुछ दिन पहले संडे को हमने मंगवाई थी डिनर में दम बिरयानी और दम बिरयानी में जो स्पेशल चीज मुझे नजर आई वो थी उसकी पैकेजिंग. वो जो दम बिरयानी हमें रिसीव हुई थी वो रिसीव हुई थी एक हैंडी में जिसके ऊपर एक लीड लगी हुई थी. तो अब मेरा जो इंटरेस्ट था बिरयानी में कम और हांडी की लीड में ज्यादा थी क्योंकि मुझे वो ज्यादा जरूरत का लग रहा था. तो मैं बहुत खुश हो गई उसे पाकर और तब से मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं इसे यूज करूंगी अपनी किसी आर्ट एंड क्राफ्ट ब्लॉग में. तो मैं आज लेके आ गई हूँ उसी हांडी बिरयानी की लीड से कुछ डेकोरेशन पीस. तो विदाउट एनी डिले लेट्स गो टू द प्रोजेक्ट. बट बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे एक लाइक करिएगा और अपने जानने वालों के साथ शेयर करिएगा. इस मिट्टी के प्लेट को मैंने अच्छे से धो के उसके बाद ड्राई कर लिया था. अब मैं इस पे अप्लाई कर रही हूँ जेसो का एक कोट. ये जेसो मैंने घर पे ही बनाया है. कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो मैं आने वाले किसी ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर दूंगी कि मैं ये जो आर्ट सप्लाईज होते हैं उनको घर पर कैसे तैयार करती हूँ. तो चलिए पहले इसको एक कोट कर लेते हैं, उसके बाद इसे ड्राई होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे. अभी प्लेट ड्राई हो चुकी है तो मैं इसमें व्हाइट एक्रिलिक पेंट का एक कोट कर रही हूँ. आप चाहे तो दो कोट भी कर सकते हैं, मेरे पास सोर्सेस थोड़े कम हैं, इसीलिए मैं सिर्फ एक ही कोट अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद इसे थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे. बेस ड्राई हो चुका है तो अब इसमें मैं अपने मन मुताबिक कुछ पैटर्न्स ड्रॉ कर रही हूँ. आप चाहे तो कुछ इजी सा भी ड्रॉ कर सकते हैं और कुछ अच्छा डिफिकल्ट सा भी ड्रॉ कर सकते हैं, सीनरी ड्रॉ कर सकते हैं, फ्लोरल पैटर्न बना सकते हैं, ये तो कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है. तो मैं यहाँ पे कुछ फ्लोरल पैटर्न्स वगैरह ही ऐड कर रही हूँ, लीव्स वगैरह ऐड कर रही हूँ. और एक बात यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी कि मेरी जो पेंटिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि मैंने पेंटिंग कहीं से सीखी नहीं है, ना ही मैंने कोई कोर्स किया है, ना ही पेंटिंग जो है वो मेरा सब्जेक्ट रहा है. जो भी मैं पेंटिंग करती हूँ वो मेरी हॉबी है और शौक के तौर पे करती हूँ. तो इसीलिए जैसा भी है बस थोड़ा सा वो हॉबी के तौर पे किया है. और बताइएगा फाइनल प्रोडक्ट जब सामने आएगा तो कैसा लग रहा है वो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा. तो फिलहाल मुझे थोड़ा सा टाइम लगा इसे बनाने में क्योंकि जो आर्टिस्ट होते हैं पेंटिंग करते हैं उनकी जो इमेजिनेशन होती है वो काफ़ी ब्रॉड होती है और जो हम लोग जो सिर्फ हॉबी के तौर पे करते हैं उनकी तो जो इमेजिनेशन होती है उतनी ब्रॉड नहीं होती है, थोड़ी लिमिटेड होती है. और देखिए ये मैंने पूरा ड्रॉ कर लिया है. अब मैं इसमें कलर से, ब्लू कलर से जो भी मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया है उसके ऊपर ब्लू कलर कर दूंगी. मैं पेंटिंग में उतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ इसीलिए मैंने पहले पेंसिल से ड्रॉ किया है. अगर आप अच्छा खासा पेंटिंग का नॉलेज है, आप एक्सपर्ट हैं तो आप डायरेक्ट ब्रश से इन पैटर्न्स को ड्रॉ कर सकते हैं. तो इसीलिए मेरा जो एक स्टेप ज़्यादा इसमें ऐड हो गया है. पूरा ड्रॉ करने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहे तो इसके साथ तीन ऑप्शन कर सकते हैं. एक तो पहला जैसे मैंने दिखाया बस व्हाइट पे ब्लू ऐसे ड्रॉ करके भी छोड़ सकते हैं लेकिन वो थोड़ा अधूरा लगता है. तो दूसरा जो ऑप्शन है उसमें आप जो बैकग्राउंड है उसे व्हाइट रख के अंदर जो पैटर्न बनाया उसके अंदर ब्लू फिल कर सकते हैं. लेकिन मैं थर्ड ऑप्शन कर रही हूँ, मैं जो बैकग्राउंड है उसमें ब्लू कर रही हूँ और जो पैटर्न्स के अंदर का गैप है उसमें मैं व्हाइट ही रखूंगी.
अब मैं इन साइड्स में ब्लैक कलर से कर रही हूँ क्योंकि ये साइड्स तो वैसे भी नहीं दिखती है और ज्यादा ब्लू कलर लगाऊंगी तो मेरा ब्लू कलर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैंने ब्लैक से एडजस्ट किया है। आप चाहे तो ब्लू कलर दे सकते हैं, गोल्डन दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं इसमें ड्राई होने के बाद लगा रही हूँ एक कोट वार्निश का। वार्निश जो है मेरा वो मैट नहीं है, वो ग्लॉसी है। आप चाहे तो मैट वाली वार्निश भी ट्राई कर सकते हैं, फिलहाल मेरे पास यही है तो मैं इसे ही लगा रही हूँ। और देखिए ये है ये फाइनल लुक जो बन चुका है। तो मैंने इसे एक बिरयानी हांडी से लिया था और देखिए बिरयानी हांडी की लिप कितनी अच्छी डेकोरेशन पीस में कन्वर्ट हो गई है। चलिए इसे कहीं पे डेकोरेट करते हैं अपने घर में। तो इस कॉर्नर को मैंने चूज किया इसे डेकोरेट करने के लिए। बताइएगा कैसा लग रहा है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने जानने वालों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।